नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है स्वराज। में इस खबर को आपको दिखाने जा रही खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है सिरसिया बाजार पंचायत से, जो कि परिहार प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। दर्शकों को बता दें कि इस पंचायत की जो बेहतरी है या जो समस्या है, उस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इस बार भी हम लोग आए हैं चर्चा करने, और ये चुनावी चर्चा है भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत में रहने वाले और समाज सेवा में रुचि रखने वाले राम विश्वास जी, ये भी हैं और कई सारे लोग भी हैं। और आज हम लोग इनसे बात कर जानेंगे कि इस पंचायत में चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो रही है। मैं बता दूं कि कार्यक्रम सामाजिक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वो बातें दिखाने जा रहे हैं जो जनता चुनाव को लेकर करती है। और मैं एक भी बात और कहना चाहूँगा, चूँकि ये राम विश्वास जी इस बार प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं चुनाव में, सरपंच के प्रत्याशी के रूप में, तो इनसे भी विचार जानेंगे कि क्या ये सोच रहे हैं, कैसे लोगों की मदद करेंगे। और एक बात और है कि यह प्रचार नहीं है, न इनका विरोध है, न किसी का विरोध है, न किसी का प्रचार है, यह समाज का अवलोकन है और इनके विचार से हम आपको अवगत कराते हैं। तो ध्यान से देखें, समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि इनकी बात और लोगों तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सबको प्रणाम जी। आप सभी टीम को हमारी तरफ से प्रणाम जी। रामेश्वर जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ सरपंच के प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं, न्याय व्यवस्था जो वर्तमान स्थिति में आपकी है ग्राम कचहरी की, सिरसिया बाजार पंचायत की, कितनी बेहतर लग रही है? क्या कुछ बेहतर है कि दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, कि यहाँ न्यायपालिका जो है, माने न्याय होता ही नहीं है। अलग थलग पंचायत करके लोग फैसला करते हैं, जिसमें बहुत से भेद है, भेद को लेकर के लोग चलते हैं, है ना, पाटा पाटी करने लगते हैं, न्याय खत्म है। इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको समाज में न्याय दिलाना है जी। अच्छा, न्याय दिलाना है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन आप बेहतर हैं, इसको कैसे साबित करिएगा? जनता सब तो कह रहा है, पब्लिक की, हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, जितने उम्मीदवार आते हैं, आप कितना बेहतर हैं जी? समाज का हम पर बहुत बड़ा उपकार है, जो पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे तो 150 वोट दे करके हमको लोग जिताए थे, जबकि पार्टी पार्टी था, मैं न्यूट्रल होकर के लड़ा हूँ। और इस बार समाज का बहुत बढ़िया रहेगा, हमको लोग वोट देंगे, हम जीतेंगे जी। अच्छा, जनता के जो समस्या है ग्राम कचहरी स्तर पर, आप देखें जनता के बीच जाकर देखे हैं कि क्या समस्या है? जी, जनता के बीच भी हम गए हैं, बहुत सा उदाहरण मिलता है कि हमको ऐसे नहीं हुआ, हमको वैसे नहीं हुआ, हमारे लिए न्याय नहीं किया, यही सारी बात सब है जी। तो इस बार पूरा कमर कस लिए हैं कि बेहतर हो पाएगा? जी, एकदम बेहतर होगा, निश्चित होगा। तो देखिए, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो इन्हें हमने अपनी बात रखी है वो आपके सामने है, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। हम और लोगों के बीच भी जाते हैं आपके। सर, एक बात और जी, मैं पूर्व से ही समाज से जुड़ा हूँ, किसी गरीब को या कोई भी हो जो हमको भार दे दिया है, उसको मैंने बाखूबी निभाया है। और मैं छोट मोट कलाकार भी हूँ, है ना, हर साल ड्रामा होता है मेरे यहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर, मैं वहाँ भी बेहतरीन करके आता हूँ। पिछले कई वर्षों पहले सामाजिक स्तर पर मैंने आँख का मुफ्त ऑपरेशन भी करवाया, सारे समाज जानते हैं। झंडा मेरे यहाँ बना, उसमें बिजली रानी आई थी फर्स्ट बिहार में, समझे तो, इधर हमारे सीतामढ़ी जिला में, उस समय भी मैंने बहुत बेहतरीन काम किया संघ की ओर से। उस समय मेरा अमर ज्योति संघ नाम से संस्था चल रही थी, तो उसमें झंडा के द्वारा हमको मेडल दिया गया, इनाम दिया गया, प्रोत्साहन दिया किया गया। चलिए, हम आपके पास फिर आते हैं, लेकिन और लोगों से भी जानते हैं कि आपने जो बात कही है लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं जी। सबसे पहले आपका परिचय, नाम क्या हुआ? हमारा नाम चुलाई राय। चुलाई जी, ये जो बात कहे राम विश्वास जी, कितना बेहतर लग रहा है, हुआ बढ़िया कि गड़बड़ा गया? जितना बात कहे हुए हैं वो एकदम सत कहे, गलत नहीं कहे, गलत नहीं कहे, समाज में मदद करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्का कहते हैं? पक्का कह रहे हैं। इनसे जुड़े हुए है किसी विशेष कारण से कि सामाजिकता के नाते? नहीं, सामाजिक रिश्ता से जुड़े हुए हैं, विशेषता नहीं जी। कोई लोग हैं जो यहाँ इनके विरोध में है? जी नहीं, नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? जय प्रकाश राय। जय प्रकाश जी, समर्थन में है इनके? जी समर्थन। एक बार समर्थन जिन जिन लोगों का है, सब लोग जोरदार ताली बजा के समर्थन करिए। तो चलिए, देखिए ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बातें हो रही है, जो समाज की बात सामने आ रही है, इसमें राम विश्वास जी ने अपनी बात रखी है, और इन्होंने जो बात कही कि हम समाज की मदद लगातार करते रहते हैं, तो इस तरह से
ये लोग भी समर्थन किए हैं और इसको लेकर जरूर हम आपको कहेंगे ये बेहतर बातें हैं, इसीलिए लोग इतना समर्थन करते हैं। जी सर। जी आपका क्या शुभ नाम हुआ? विनोद कुमार राय। जी विनोद जी, पंचायत में चुनाव हो गया है, चुनाव का दंगल चल रहा है, सब जगह बाजा बज रहा है, देख ही रहे हैं। जी 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 एकदम। क्या क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में बेहतर हो पाएगा कुछ? राम विश्वास जी जो अभी सरपंच के उम्मीदवार हैं, उनका एक नारा है, वो शायद अभी भूल गए हैं या बहुत सी बातें कहे हैं तो वो कह नहीं पाए हैं। उनका एक नारा है, सबको देखा सबको परखा, हमको भी परखो एक बार, फर्क पैदा करने के लिए मौका दो एक बार। देखिए तो ये है यहाँ तो इनका ये नारा जो है, सो यहाँ की जनता जो है उनके दिल में बहुत समावेश कर गया है ये नारा, और इनका जो एक्टिविटी है समाज स्तर पर, जैसे नहीं कुछ रहते हुए भी पूरा निष्ठापूर्वक किसी भी पंचायत में जाना तो उसका फैसला करना, गरीब हों निम्न वंचित लोग हों उनको भी साथ ले कर के चलना, तो ये सब कारण है इनका भी इस बार के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जोड़ है। और ये जो नारा जो ये दिए हैं, जो अभी हम बोले हैं, वो यहाँ के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी बात इन्होंने अपनी रखी है कि एक बार मौका। चलिए अगर इन्होंने छोड़ दिया तो इनसे भी पूछ लेते हैं क्या है नारा, तो अपने जवान से भी लोगों को बता दें कि कैसे मौका आप मांग रहे हैं। सबको देखा बार बार, हमको देखिए एक बार। वाह, सबका आदर सबका सम्मान, यही है मेरा पैगाम। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए, समाज की बात हो रही है। देखिए चुनाव, चुनाव तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव में वोट देने का अधिकार है, बड़ा कीमती और बड़ी बहुमूल्य है, उसमें आप उसको किसी पैसे से नहीं आंक सकते, तो बेहतर को चुनिएगा अपने वोट के माध्यम से, आपकी विचार होगा, लेकिन बेहतर लोग अपनी बात रख रहे हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आखिरी में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो मुद्दा है आपके यहाँ चुनाव में, जनता को भरोसा देने के लिए क्या कह रहे हैं, उनको न्याय मिल पाएगा आपसे, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? जी हमसे लोगों को उम्मीद है कि हमने दोनों को देखा, अब एक मौका आपको देंगे, आप भी दिखाइए। चलिए तो ये है इनका फलसफा कि जो जो लोग यहाँ पर और रहे हैं उनको आपने देख लिया है, और इनका जो है वो आप एक बार देखिए। देखिए फलसफा ये भी है कि बेहतर को चुनना है, बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जो देखा है उसको मैं बेहतर चुनिए। आखिरी में जनता को और लोगों को कहीं और कुछ कहना है तो बताइए, बाद में ये ना कहेंगे कि हमने नहीं कहा, क्या कुछ कहना है, कुछ कहना है जी? सरपंच का, सरकार का उद्देश्य था कि गांव में जो छोटा मोटा विवाद है, जो न्यायालय में जाकर बरसों में लोग परेशान रहता है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होता है, मानसिक और शारीरिक कष्ट को दूर करना था। सरकार न्यायालय में जो आज मुकदमा चल रहा है, लगभग वर्षों, दसों बरस, पंद्रह बरस, छोटा से छोटा मुकदमा में लोग परेशान रहता है। सरकार का उद्देश्य है कि जो गांव में पंच परमेश्वर होता है, जिस भगवान की दर्जा मिलता है, सरपंच जी की अध्यक्षता में उसका निष्पादन गांव के ही समाज के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पंच और सरपंच जी की अध्यक्षता में ही समय, कम समय, निर्धारित समय में समय और पैसे की बर्बादी से बचाया जा सके, उसके लिए जिन्होंने पिछले चुनाव में हम लोग ने जिनको वोट दिया वो समाज के विश्वास से दूर रहे, लोगों को कोई सामाजिक न्याय दिलाने से वंचित रहे, लोग अलग थलग समाज में जहाँ तहाँ दूसरे लोगों को जो निर्वाचित नहीं जनप्रतिनिधि है पंच, उनको पकड़ कर समाज में अपना समस्या का निदान किए। इस बार सब लोग ने उठाना है कि नया सरपंच बनाना है राम विश्वास जी को, और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में राम विश्वास जी को एक बार मौका देना है, यही कहना है। बहुत बढ़िया। देखिए एक बार और हम आप लोगों को कहेंगे कि इन्होंने जो बात कही है ध्यान रखना है, क्योंकि चौपाल में जानकारी लेने के लिए भी, जानकारी देने के लिए भी इन्होंने जो कहा कि न्याय की प्रक्रिया पंचायती राज व्यवस्था में हर घर तक न्याय पहुंचे, और जो छोटी छोटी समस्या में लोग बहुत लंबा केस लड़ते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, उससे बचाव हो, इसके लिए यहाँ न्याय की बेसिक जो 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 जहाँ ग्राउंड पर है वहाँ पर एक कचहरी की स्थापना की गई, और आपने बहुत बेहतर सोचा है, और हम जरूर चाहेंगे कि इन जैसे जागरूक नागरिक के लिए एक बार ताली बजाया जाए। धन्यवाद सर, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ चल कर आए सीतामढ़ी से, उसके लिए पूरा सिरसिया ग्रामवासी आपकी आभारी है। मीडिया समाज के दूरदर्शी होते हैं, समाज में आज जो व्याप्त भ्रष्टाचार है या समाज में व्याप्त कुरूति है, जिसको मिटाने के लिए मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में सच्चाई को प्रदर्शित करवाते हैं, उससे लोग जागरूक होता है। आज ग्राम कचहरी
मुख्य रूप से सरकार का मुख्य उद्देश्य है उसको गांव के ही लोगों द्वारा चुने हुए पंच प्रतिनिधि और सरपंच जी की अध्यक्षता में लोगों को न्याय दिला सके और बढ़ते हुए मुकदमा का बोझ न्यायालय से जनता का पैसे और समय की बर्बादी को बचा सके, इसीलिए न्यायपालिका का जो आधार है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का अधिकार है, वैसे आईपीसी धारा 40 को धारा मिला है ग्राम कचहरी के अंतर्गत कि अगर थाना में भी 40 धारा है, 40 धारा है जिसमें अगर थाना में भी मुकदमा अगर जाता है तो थाना को ग्राम कचहरी को सिफारिश कर देना है और ग्राम कचहरी की अगर फैसला को अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको आगे प्रक्रिया में भेज देगा, अपील तो अपील कर सकता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आप बहुत जागरूक हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार और ताली बजाइए। और ये जो बातें जो सामने आ रही है वो बातें मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो इन्हीं लोगों का विचार है, इनकी भाषा और इनकी जो शालीनता है, जो जागरूकता है, उससे आप अवगत हो रहे हैं। सीधे सीधे आपका परिचय बताया जाए, नाम क्या? बशीर लहरी जी। कितना बेहतर आपका समाज है और कितना बेहतर बनाने वाले हैं चुनाव में? देखिए, हमारे समाज में तो अभी जो राम विश्वास जी सरपंच के प्रत्याशी बनकर आए हैं, हमें लगता है कि इससे अच्छा प्रत्याशी नहीं है। हम इनको बचपन से हमारे साथी हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी समाज का सेवा करने का मौका मिला है इनको, ये पीछे नहीं हटे हैं। दुख हो या सुख हो, सब चीज़ में साथ देने की काम करते हैं। अगले बारी चुनाव लड़े थे, थोड़ा थोड़ा जानते हैं गुटबाजी होता ही रहता है चुनाव में, इसके कारण ये पिछड़ गए, लेकिन इस बार लोग ने बहुत जागरूकता से इनको खड़ा होने का मौका दिया है, बोला भी है कि आप खड़ा होइए, हम वोट देंगे। और मेरा विश्वास है कि सभी आदमी जो भी है यहाँ, चाहे घर पर है, वो सभी आदमी इनके लिए तत्पर है कि ये जीते और समाज के अच्छा से विकास हो और समाज के सही न्याय मिले और समाज में इनका जो अपना चमक है, जो बोले हैं वो सारा के सारा बात एकदम सही बोले हैं, वही करते आ रहे हैं, अलग तो विश्वास है हम लोगों के वह आगे भी यही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बेहतर बातें सामने आ रही है लगातार और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ा सा लाइट को और इधर करके लेकर आ रहे हैं और मैं ज़रूर कहूँगा आखिरी में आप हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग बिना किसी डर भय के वोट करें, होता है डर भय लोग पैदा करते हैं कि आप इनको नहीं इनको करें, तो बेहतर को चुनने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे वो हम दर्शकों को बताएं। हम दर्शकों से यही चाहेंगे, अपने ग्रामीणों से, कि आप हमको वोट करें, किसी बात की डर भय नहीं है, है ना, पार्टी फीलिंग मेरे लिए नहीं करें, आप कृपया हमें वोट दें। चलिए, तो इनको भी वोट करें और मैं ये भी कहूँगा कि जो आपको बेहतर लगे उनको भी वोट कर लें, कि जागरूक बने और सभी लोग वोट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी टीम को, आपके टीम को बधाई है इसके लिए, धन्यवाद। चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आप आए हैं, आप अपना परिचय बताते हुए आप क्या कहना चाहेंगे वो बताएं। जी, हम सिरसिया ग्राम के एक नागरिक हैं, वोटर हैं। हम यहाँ निष्पक्ष जो अच्छे लोग हैं उनको वोट करना चाहते हैं। हमारी नज़र में राम विश्वास जी अच्छे हैं सरपंच पद के लिए, हम इनको अपना उम्मीदवार बूझते, अच्छा है, कार्यशील है, लगनशील है, ईमानदार है, हम इनको मदद करेंगे तहे दिल से। ठीक है, चलिए, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। दर्शकों का भी धन्यवाद, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, चौपाल में जो कार्यक्रम दिखाया गया आपकी जागरूकता के लिए है, अगर इनकी बातें बेहतर लग रही है तब भी, नहीं लग रही है तब भी कमेंट जरूर करें। और चुनाव जो है वो आपका व्यक्तिगत सोच पर, आप अपने विचार से वोट करें, लेकिन बेहतर को चुने, मैं यही कहूँगा, बिना किसी लोभ मोह डर भय के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से खबर हम लगाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।